नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग। ये ब्लॉग की हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट करी है। इस सीरीज में बेसिकली क्या होगा, जितनी भी हमारी वीकली जॉब्स की जो अपडेट होगी, आपको हम एक वीक में एक वीडियो अपलोड करके उसके जरिए उसके माध्यम से आपको वो बताएंगे। तो जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप जो भी हमारे करंट रिक्वायरमेंट चल रही है इस वीडियो में बताएंगे। तो उस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की जो जॉब्स की अपडेट है आपको YouTube चैनल पे टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो दोस्तों बढ़ चलते हैं रिक्वायरमेंट की ओर। क्या रिक्वायरमेंट है अभी अभी फर्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करूँ, ये दुबई की और पूरे UAE की एक सेमी गवर्नमेंट कंपनी की हायरिंग हो रही है। कंपनी का नाम है ट्रांसगर ग्रुप, ठीक है। क्या क्या पोजीशन रहेगी इसमें, काफ़ी सारी पोजीशन है और इसका इंटरव्यू डेली बेसिस पे वीकली बेसिस पे हमारे ऑफिस में रहता है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट में जो आपको डिस्प्ले पे दिख रही है इसमें अप्लाई करने के लिए आप हमको कॉल कर सकते हैं। अब मैं रिक्वायरमेंट की बात करता हूँ डिटेल की और बढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट है पहले कैश कस्टोडियन पी एस बी डी कैश कस्टोडियन की रिक्वायरमेंट है। सैलरी की बात करूँ 2700 AD है, 2700 AD तकरीबन भारत का 63,000 के आसपास रहता है। प्लस इसमें 12 आवर्स की ड्यूटी रहेगी। एज क्राइटेरिया की बात करूँ, एज है 21 से 35 ईयर्स। कंपनी फैसिलिटी की बात करूँ, कंपनी अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर रही है। 12 आवर्स की ड्यूटी रहेगी, 26 दिन वर्किंग रहेगा, वीकली ऑफ रहेगा। दोस्तों इसमें अगर आपका इंटरव्यू होता है तो सेम डे ही आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा, और सेम डे ऑफर लेटर मिलने के बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद आपका वीज़ा प्रोसेस करेंगे, उसके लिए आपको हमारी पूरी टीम गाइड करेगी। और दूसरी रिक्वायरमेंट की ओर बढ़ते हैं। दूसरी रिक्वायरमेंट है फीमेल सिक्योरिटी गार्ड फ्रेशर सीरा और PSBD, मतलब फ्रेशर जो सिक्योरिटी गार्ड फीमेल है वो सीरा और PSBD में दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करूँ, एज इसमें चाहिए 21 से 39 ईयर्स के बीच में एज होनी चाहिए। हाइट की बात करूँ, हाइट 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सैलरी की बात करूँ, सैलरी दोस्तों इसमें रहेगी 2267 उनके लिए रहेगी जिसका सिलेक्शन सीरा में होगा, और 2770 AD उसके लिए रहेगी जिसका सिलेक्शन PSBD में होगा। इसमें भी अप्लाई करने के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट हमारे को नीचे दिए गए जो डिस्प्ले में आपको ईमेल आईडी दिख रही है, इस ईमेल आईडी में आपको अपने पूरे डॉक्यूमेंट भेजने हैं, ठीक है। और आपका फिर एक दो दिन में शॉर्टलिस्टिंग करवाने के बाद क्लाइंट के साथ फाइनल इंटरव्यू हो जाएगा, ठीक है। और अब तीसरी रिक्वायरमेंट की ओर बढ़ते हैं। तीसरी रिक्वायरमेंट है दोस्तों कार्गो एजेंट। कार्गो एजेंट में जो एज की बात करूँ, एज है 21 से 39 ईयर्स के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट वीजा रहेगा। सैलरी की बात करूँ, 1725 AD इसमें सैलरी है, प्लस कमी अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर रही है। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन दोस्तों आपकी 12 पास होनी चाहिए, और इसमें काफ़ी अच्छी इंग्लिश कम्युनिकेशन चाहिए। तो इसमें वही लोग अप्लाई करिए जिसकी इंग्लिश कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छी है, ठीक है दोस्तों। और रिक्वायरमेंट की ओर बढ़ते हैं, इसी कंपनी की और रिक्वायरमेंट की ओर बढ़ते हैं। इस कंपनी में कुछ जो अदर रिक्वायरमेंट थोड़ी सिविल कैटेगरी की भी है, लाइक जैसे मैसन, मैसन की जो सैलरी है 1150 AD है, 9 आवर्स की ड्यूटी है। इसके अलावा शटरिंग कारपेंटर, इसकी जो सैलरी है 1050 AD है। इसके अलावा स्टील फिक्सर, इसकी भी सेम सैलरी 1050 AD है। प्लस में एक हेल्पर है, हेल्पर में आप डायरेक्ट सिलेक्शन है, सीवी सिलेक्शन है, आप सीवी भेजेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन हेल्पर कहते हैं इसको। सैलरी की बात करूँ, 800 AD इसमें सैलरी है, ठीक है। इसके अलावा एक और अदर रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन की 1400 AD सैलरी है, प्लस कमी अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन दे रही है, प्लस डक्टमैन, डक्टमैन की भी सैलरी 1400 AD है, प्लस सेम फैसिलिटी है, अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन है। दोस्तों जितनी भी अभी हमारे आपको सिविल की कैटेगरी की जॉब आप डिटेल बताई है, जॉब्स की डिटेल बताई है, इनकी जो सैलरी रहेगी, इनकी जो सैलरी मैंने आपको डिस्प्ले में भी आपको दिख रही होगी, ड्यूटी आवर्स में 9 आवर्स की ड्यूटी रहेगी, 26 दिन वर्किंग रहेगा, वीकली ऑफ रहेगा, एम्प्लॉयमेंट वीजा मिलेगा। ये भी एक ट्रांसगार्ड कंपनी की हायरिंग हो रही है, सेमी गवर्नमेंट कंपनी है। तो उसको इसके अलावा जो और रिक्वायरमेंट की ओर बढ़ते हैं इस कंपनी की, IFC क्लीनर फीमेल, फीमेल की जो सैलरी है इसमें 800 AD है, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। हाउस कीपर मेल एंड फीमेल, इसमें 900 AD सैलरी है। एज जो है इसमें 21 से 35 साल के बीच में एज होनी चाहिए, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, 900 AD सैलरी है, प्लस कंपनी ड्यूटी टाइम फूड अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा दोस्तों जो अदर रिक्वायरमेंट है, वेयर हाउस वर्कर जिसकी सैलरी 1000 AD है। इसके अलावा वेयर वॉशर, इसकी सैलरी 900 AD है, प्लस अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन कंपनी प्रोवाइड कर रही है। और जनरल असिस्टेंट, इसकी भी 900 AD सैलरी है दोस्तों। इसके अलावा कॉमी थ्री में ऑल क्यूजिन वाले अप्लाई कर सकते हैं, कॉन्टी इंडियन चाइनीज आपकी कोई सी भी क्यूजिन वाले अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको थोड़ी बहुत चॉपिंग कटिंग की और थोड़ी ग्रेवी बनाने की नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो अदर रिक्वायरमेंट है स्पेशल हैंडिंग एजेंट में जो थोड़ी इंग्लिश है थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, इसमें बस फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, लाइक जिसने 10th या 12th पास करी है और इंग्लिश अच्छी है तो वो भी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
सैलरी की बात करूँ 1260 एडी में सैलरी है, 9 लाख की ड्यूटी है, प्लस कंपनी वही अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन कंपनी प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा एयरपोर्ट लोडर, दोस्तों दो तरह का एयरपोर्ट लोडर है, जिसकी एक की सैलरी है 950 एडी, इसमें जिसकी बेसिक इंग्लिश है, जिसको अपना मतलब लाइक सेल्फ इंट्रोडक्शन वगैरह दे सकता है, वो लोग का सिलेक्शन हो जाता है। इसके अलावा जो एयरपोर्ट लोडर दूसरा है उसकी है 1880 सैलरी, सॉरी 1080 एडी सैलरी है, उसमें थोड़ी बहुत इंग्लिश अच्छी चाहिए, ठीक है। इसमें आपका 9 आवर्स की ड्यूटी है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट क्लीनर, एयरक्राफ्ट क्लीनर में भी सेम कैटेगरी है दोस्तों, 950 एडी और 1080 एडी, दोनों में इंग्लिश लेवल थोड़ा अलग अलग है, तो आप इसमें अप्लाई करेंगे तो आपको हमारी टीम पूरी गाइड कर देगी आप किस पोजीशन के लिए सूटेबल रहेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जो अदर रिक्वायरमेंट है, ट्रैक्टर ड्राइवर, ट्रैक्टर ड्राइवर की जो सैलरी है 1775 एडी सैलरी है, ये भी एक दुबई की सेमी गवर्नमेंट कंपनी के लिए हायरिंग हो रही है। इसमें जो लाइसेंस चाहिए, 3 नंबर का यूए का लाइसेंस चाहिए, जो कि 2 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए। इसका जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या रहेगी, आपको लोडिंग अनलोडिंग करना पड़ेगा, मटेरियल जो होता है कंपनी का वो लोडिंग अनलोडिंग करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों शॉफर ड्राइवर, शॉफर ड्राइवर की जो सैलरी है, टोटल सैलरी जो है इसकी 2444 एडी सैलरी है, 2444 एडी है, इसमें भी 3 नंबर का लाइसेंस चाहिए दोस्तों, पर इसमें आपकी जो इंग्लिश कम्युनिकेशन है काफ़ी अच्छी चाहिए, और इसमें 9 आवर्स की ड्यूटी है, 1 आवर ब्रेक है, वही अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन कंपनी प्रोवाइड कर रही है। एज क्राइटेरिया की बात करूँ शॉपर ड्राइवर में, जो एज का क्राइटेरिया है वो 25 से 46 ईयर्स के बीच में एज क्राइटेरिया है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अदर रिक्वायरमेंट की बात करूँ, इसके अदर रिक्वायरमेंट हैवी बस ड्राइवर, हैवी बस ड्राइवर की जो सैलरी है 2950 एडी सैलरी है, इसमें 6 नंबर यूए का लाइसेंस चाहिए, प्लस 2 साल का आपको यूए का एक्सपीरियंस होना चाहिए हैवी बस ड्राइवर का। इसके अलावा फॉर्कलिफ्ट ऑपरेटर की जो सैलरी की बात करूँ 1725 एडी सैलरी है, प्लस इसका जो यूए का जो लाइसेंस चाहिए 7 नंबर यूए का इसमें लाइसेंस चाहिए एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए यूए में, 9 आवर्स की ड्यूटी है, प्लस अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन कंपनी प्रोवाइड कर रही है। तो दोस्तों ये जो रिक्वायरमेंट थी एक दुबई की सेमी गवर्नमेंट कंपनी की रिक्वायरमेंट थी, ये मैंने आपको बता दी है। अब चढ़ते हैं और कंट्री की रिक्वायरमेंट की ओर, जैसे अभी आपको मैंने बताई है पूरी यूए की, अब जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है वो अबू धाबी के लिए, जिसका इंटरव्यू 22 जुलाई को हमारे ऑफिस में रहेगा, ठीक है। मैं आपको रिक्वायरमेंट बता दूँ, शू शेफ चाहिए, शू शेफ की जो सैलरी है एज पर एक्सपीरियंस क्लाइंट डिसाइड करेंगे। इसके अलावा डेमी शेफ डी पार्टी, इसकी 2300 एडी सैलरी है, शेफ डे पार्टी इसकी 3000 एडी सैलरी है, डी सी डी पी इसमें ऑल क्यूजिन वाले चाहिए, इसकी जो सैलरी है 2300 एडी है। शेफ डे पार्टी अरबिक चाहिए, इसकी सैलरी 3000 एडी है। इसके अलावा शेफ डे पार्टी बेकरी 3200 एडी इसमें दोस्तों सैलरी रहेगी, प्लस कॉमिस भी इसमें मल्टी क्यूजिन वाले अप्लाई कर सकते हैं, 1200 एडी सैलरी है। सैंडविच मेकर 2500 एडी सैलरी, रोटी मेकर 1200 एडी सैलरी। दोस्तों ये जो रिक्वायरमेंट मैंने बताई है आपको डिस्प्ले में दिख भी रही होगी, फिर सैलरी डिटेल तो आप वो भी देख सकते हैं। इसमें एज क्राइटेरिया की बात करूँ, एज है 21 से 40 ईयर, कंपनी का नाम है रॉयल केटरिंग, ये अबू धाबी की कंपनी है, इसका 22 तारीख को इंटरव्यू रहेगा हमारे ऑफिस में। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट को नीचे दिए गए नंबर पर और ईमेल आईडी पर शेयर करनी है इसकी दोस्तों, जहाँ टाइम रह नहीं गया इंटरव्यू में, 2 दिन रह गए, तो उसमें आप मंडे को ही इंटरव्यू है, तो इसमें अप्लाई करने के अपने सारे डॉक्यूमेंट हमको भेज दीजिए। कंपनी क्या फैसिलिटी दे रही है, फ्री अकोमोडेशन, फ्री फूड, फ्री मेडिकल बेनिफिट कंपनी, फ्री ट्रांसपोर्टेशन कंपनी प्रोवाइड कर रही है। रिक्वायर्ड इसमें जो है बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन चाहिए, प्लस आपको किसी भी जिस पोजीशन में अप्लाई करना चाहते हो उसमें 2 साल का आपको मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एक और रिक्वायरमेंट की बात करता हूँ, जो एक दुबई की ही सेमी गवर्नमेंट कंपनी की हायरिंग है, ये भी सिविल कैटेगरी में आती है, मेंटेनेंस से आती है। मैं रिक्वायरमेंट की बात करूँ, रिक्वायरमेंट है इसमें एसी टेक्नीशियन, जिसकी सैलरी 1800 से 2500 एडी है, प्लस मिनिमम 2 से 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन की सैलरी 1800 से 2000 एडी सैलरी है, और आपको इसमें भी 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्लम्बर 1800 से 2000 एडी सैलरी है। मल्टी टेक्नीशियन सिविल एंड एमएबी का चाहिए, आपका बैकग्राउंड जो होना चाहिए। सैलरी की बात करूँ 1800 से 3500 एडी सैलरी है, 9 आवर्स की ड्यूटी है दोस्तों, अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन कंपनी प्रोवाइड कर रही है, एम्प्लॉयमेंट भेजा जाएगा, ठीक है दोस्तों। और रिक्वायरमेंट की बात की और चलते हैं, इसके अलावा दोस्तों एक और रिक्वायरमेंट है, वो है हाउस कीपिंग सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है। ये हाउस कीपिंग सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है, ये अल नजमा अल फरीदा कंपनी के लिए है। इसका अभी हाल ही में हमने कई इंटरव्यू कराया था, कंडक्ट कराया था, काफ़ी अच्छा सिलेक्शन हुआ था और उसमें काफ़ी अच्छे कैंडिडेट हमारे सेलेक्ट हुए थे। इस कंपनी में दोस्तों, कंपनी की बात करूँ, एक फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है अल नजमा अल फरीदा, इसका फीडबैक काफ़ी अच्छा है, हमारे काफ़ी सारे सिक्योरिटी गार्ड और मोर देन
हंड्रेड सिक्योरिटी का हमारा इस कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और उनका फीडबैक काफ़ी अच्छा है। और अभी इसका नेक्स्ट मंथ दोबारा इंटरव्यू रहेगा, उसमें जो ज़्यादा रिक्वायरमेंट आती है सिक्योरिटी गार्ड की आती है, जिसमें 5-6 हाइट का क्राइटेरिया और होता है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी हाइट 5-6 है और आप सिक्योरिटी में मूव करना चाहते हैं, तो हमको कॉल करके अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं, हम अपने अपने डेटाबेस में आपका एंट्री कर लेंगे। जैसे ही हमारे पास रिक्वायरमेंट आएगी तो हमारी टीम आपको कॉल करेगी। तो दोस्तों अलनजमा अलफिदा की रिक्वायरमेंट की ओर बढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? हाउसकीपिंग सुपरवाइजर। हाउसकीपिंग सुपरवाइजर की जो सैलरी है 1500 से 2200 एडी है, प्लस आपको कंपनी अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन दे रही है। 12 आवर्स की ड्यूटी है, 26 दिन वर्किंग है। दोस्तों अगर आपके पास ये है इंडियन एक्सपीरियंस के लिए, अगर आपके पास यूए का एक्सपीरियंस है और यूए का 3 नंबर लाइसेंस है, तो हाउसकीपिंग सुपरवाइजर में जो कंपनी सैलरी ऑफर कर रही है वो 3000 से 4000 एडी भी मिल सकती है, अगर आपके पास यूए का 3 नंबर लाइसेंस है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए क्या करना है, आपको अपने डॉक्यूमेंट, हमको पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स ठीक है और हमको शेयर करने हैं। ठीक है, आपका अपडेट सीवी, अपडेट पासपोर्ट कॉपी ठीक है, एंड योर एजुकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कॉल ठीक है, फोटोज़ अपनी, ये सब हमको व्हाट्सअप करनी है या आपको मेल भी कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, हम आपके डॉक्यूमेंट शॉर्टलिस्ट करेंगे और उसके बाद हम क्लाइंट से आपका फेस टू फेस या जूम पे जैसा भी वो उस समय सूटेबल होगा आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे। ठीक है दोस्तों, जो अब अदर रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, रिक्वायरमेंट कुवैत के लिए है। कुवैत में एक शामिया केटरिंग कंपनी है जिसके लिए हायरिंग हो रही है। इसमें 3 पोजीशन की हायरिंग है, मैं आपको तीनों को डिटेल बताऊंगा। शिफ्ट मैनेजर ठीक है, इसकी जो सैलरी है 175 केडी सैलरी है, प्लस कंपनी अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करी है, 9 आवर्स की ड्यूटी रहेगी। ड्यूटी टाइम फूड इसमें कंपनी प्रोवाइड करेगी आपको ठीक है, इसमें और आपको जो इसमें रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 से 3 साल का, आपका सेम प्रोफाइल पर रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपके पास अगर रेस्टोरेंट का QSR का रेस्टोरेंट है तो ये आपके लिए एडवांटेज मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों जो अदर रिक्वायरमेंट है इसी कंपनी की, वो है रेस्टोरेंट मैनेजर, इसकी सैलरी 200 केडी है, वो कंपनी 9 आवर्स की ड्यूटी है, ड्यूटी टाइम फूड प्लस अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन कंपनी प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा दोस्तों जो अदर रिक्वायरमेंट है असिस्टेंट शिफ्ट मैनेजर, इसकी 150 केडी सैलरी है, प्लस अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन कंपनी प्रोवाइड कर रही है, ड्यूटी टाइम फूड मिलेगा। ये दोस्तों तीनों रिक्वायरमेंट जो आपको डिस्प्ले में दिख रही है, इस रिक्वायरमेंट में अप्लाई करने के लिए आपको हमको अपने डॉक्यूमेंट भेजने और क्या था, आप हमारी टीम आपको शॉर्टलिस्ट करके, आपके डॉक्यूमेंट शॉर्टलिस्ट करके क्लाइंट के साथ का इंटरव्यू को कंडक्ट कराएगी ठीक है। और दोस्तों अब रिक्वायरमेंट, एक और रिक्वायरमेंट है वो है नर्सिंग के लिए। ये रिक्वायरमेंट सऊदी अरबिया KSA के लिए है, किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों सैलरी पोजीशन की बात करूँ, फीमेल नर्स की रिक्वायरमेंट है, BSc नर्सेस की रिक्वायरमेंट है, इसकी सैलरी 85,000 की सैलरी है, प्लस कंपनी आपको अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करेगी इसमें ठीक है। मिनिमम आपको जो GNM का जो आपके पास 1.5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 1.5 साल का इसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए। इसके अलावा जो GNM नर्सेस है उसकी 90,000 करीब में सैलरी है, 90,000 करीब में सैलरी है, इसमें आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए ठीक है। ये सब ये जो नर्सेस की रिक्वायरमेंट आपको डिस्प्ले में दिखी होगी ठीक है, इसमें अप्लाई करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट, कंप्लीट डॉक्यूमेंट हमको शेयर करिए। और आप चाहे तो इसके लिए आप हमसे ऑफिस में आके मिल सकते हैं, डिस्प्ले में आपको हमारे ऑफिस का एड्रेस दिख रहा होगा, देहरादून में हमारा ऑफिस है ठीक है। और कोई भी डिटेल चाहिए तो कॉल भी कर सकते हैं ठीक है। दोस्तों अब एक और रिक्वायरमेंट की ओर बढ़ चढ़ते हैं, ये रिक्वायरमेंट मेरे फ्रेशर भाई लोगों के लिए है, ये रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है उनके लिए। अगर आप लोग गल्फ कंट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए ही है। रिक्वायरमेंट की बात करूँ दोस्तों, वॉचमैन कम सिक्योरिटी गार्ड, मतलब एक वॉचमैन और सिक्योरिटी गार्ड दोनों ही रिक्वायरमेंट है हमारे पास। ये जो रिक्वायरमेंट है बहरीन के लिए रिक्वायरमेंट है ठीक है। इसमें बहुत सी जो दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो यूएई में या पूरे गल्फ में जो बहुत सी कंपनियां टैटू एक्सेप्ट नहीं करते, जिस लोगों के जिसके हाथ में टैटू है और टर्मन है जो कैंडिडेट, तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टैटू विजिबल टैटू भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, टर्मन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों रिक्वायरमेंट की बात करूँ, बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, बस आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। जैसे क्लाइंट ने आपसे पूछा भी, आर यू फ्रॉम, व्हाट्स योर नेम ठीक है, हाउ ओल्ड आर यू, 2-3 क्वेश्चन के आपको आंसर होने चाहिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें दोस्तों हाइट का क्राइटेरिया की बात करूँ, हाइट है इसमें 165 सेंटीमीटर, 5.5 फीट हाइट होनी चाहिए। सैलरी की बात करूँ, 110 से 120 केडी सैलरी रहेगी ठीक है। जो इसकी दोस्तों वॉचमैन की जो और सिक्योरिटी गार्ड की जो वर्क लोकेशन रहेगी वो रहेगी मॉल्स, एयरपोर्ट ठीक है, स्कूल, थिएटर, कमर्शियल बिल्डिंग, रेसिडेंट बिल्डिंग और बहरीन में आपको और अच्छी वीआईपी लोकेशन में आपको प्लेस किया जाएगा। इसमें दोस्तों एज में भी थोड़ा कंपनी रियायत दे रही है, बहुत सी कैटेगरी में, बहुत सी कंपनी में एज 39 से अबव नहीं चलता, इसमें 21 से 43 ईयर्स की एज वाले अप्लाई कर सकते हैं ठीक है। 12 आवर्स का ड्यूटी रहेगा, 26 वर्किंग रहेगा। दोस्तों अभी ECNR पासपोर्ट वाले ही अप्लाई कर सकते हैं,
बट इसमें सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी इजी है। इसकी इंटरव्यू की बात करूँ, 23 जुलाई को ये इंटरव्यू हमारे ऑफिस देहरादून में रहेगा। इसमें अप्लाई करने के लिए दिए गए डिस्प्ले नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपना रिज्यूम पासपोर्ट को भी व्हाट्सअप करिए, अपना फुल साइज फोटो व्हाट्सअप करिए और हम आपको बता देंगे कि आपका सिलेक्शन हो सकता है और आप इंटरव्यू के लिए आ जाइए। तो 23 तारीख को इंटरव्यू रहेगा दोस्तों, इसमें अप्लाई करने के लिए हमको कॉल कर सकते हैं। सैलरी 110 से 120 KD BD है, 24 से 26 हज़ार के बीच में इसमें सैलरी आएगी। फ्रेशर के लिए दोस्तों ये अच्छी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो दोस्तों अभी आज की रिक्वायरमेंट खत्म हो चुकी है, ठीक है। अभी हमारे में जो आपको डिस्प्ले में रिप्लाई है, सारी रिक्वायरमेंट मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इन सब में अप्लाई करने के लिए हमको कॉल कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को, हमारे इंस्टाग्राम को, आप प्लेटफॉर्म को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग्स में, थैंक यू सो मच ऑल।